वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मशरूम का टेस्टी सब्जी कैसे बनाया जाता है। मशरूम हम जो है 50 ग्राम लिए हैं। इसके लिए जो हम शिमला मिर्च दो बड़े जो था उसको हम बारीक काट लिए हैं। और यह मशरूम जो है इसको हम उबालने के लिए इसमें 1 कटोरा पानी डालेंगे और इसको गैस पे हम मशरूम को जो है हम गैस पे उबलने के लिए दे दिए हैं। इसको 5 से 6 मिनट तक इसी तरह उबालना है ताकि यह थोड़ा जो इसका कच्चापन है ना वह पक जाएगा। इसीलिए अब जो है मशरूम को हम उबलने दे दिए हैं। तब तक जो है इधर हम मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े प्याज हम काटे हैं, इसको हम जार में पीस लेंगे। और 4 से 5 कली है, 10 कली का लमसम है लहसुन, वो भी डाल देते हैं। 4 से 5 टुकड़ा है अदरक का, वो भी डाल के पीस लेते हैं। अब देखिए 1 चम्मच जो है मिर्च में जीरा भी डालेंगे। अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। देखिए मसाला जो है हम पीस लिए हैं। अब इधर जो है कढ़ाई गरम करके गैस पे इधर हम आपको शिमला मिर्च इसको हम भून फ्राई कर लेंगे। देखिए कढ़ाई गरम हो गया है। इसमें जो है हम 1 टेबल स्पून जो है सरसों तेल देंगे शिमला मिर्च को फ्राई करने के लिए। देखिए तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम शिमला मिर्च फ्राई कर लेते हैं। लो को जो है मीडियम कर देंगे। अब इसको ढक देते हैं, लो को मीडियम कर देना है। अब देखिए मशरूम जो है उबल गया है, देखिए इस तरह से उबल गया है। अब इस तरह का जो छेदा वाला होता है वो उसमें हम इसको निकाल लेते हैं ताकि इसका पानी सब गल जाएगा। अब देखिए जिसके पास ये छेदा वाला नहीं है वो तो इस तरह से ऐसे करके पानी भी इसका पसा दे दीजिएगा। उसमें भी कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको छेदा वाला होना ही चाहिए। अब जो है मशरूम को इसको 4 टुकड़ा में इस तरह से काट लेंगे। इसी तरह सारे मशरूम को हमको काट लेना। देखिए इस तरह से सारे मशरूम जो है हम काट लिए हैं। सारा मशरूम कट गया है। अब देखिए इसको देख लेते हैं कि शिमला मिर्च जो है फ्राई हुआ है कि नहीं। देखिए फ्राई हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन आ गया है, ज्यादा इसको पकाना नहीं है। अब इसको निकाल लेते हैं। एक चम्मच जो है टेबल स्पून बड़ा चम्मच तेल डालना है, मशरूम फ्राई कर लेंगे उसमें। ये तेल जो है गर्म हो गया है। अब हम जो मशरूम काट के रखे थे इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए हल्का सा भी। देखिए अब देखिए यह जो है हल्का ब्राउन आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मसाला बनाएंगे इसी में कढ़ाई में। अब देखिए तेल जो है 1 चम्मच के बराबर है इसमें जो है, अब थोड़े सा आधा चम्मच के बराबर इसमें तेल दे देंगे। उसके बाद तेल गर्म होने के लिए देंगे। तेल गर्म हो गया। अब इसमें जो है 2 हम सूखी मिर्ची लिए हैं, 1 फुट की जीरा लिए हैं, उसको हम जो है थोड़ा सा देते हैं पकने के लिए। अब देखिए जीरा और मिर्ची जो है पक गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे, दोनों के जो है ब्राउन हो जाता है इसको पकाना है। और इसको इस तरह से थोड़ा सा ढक देंगे ताकि अच्छे तरह से यह पक जाए और लॉक ना हो। हैं उसमें हम 1/4 चम्मच हम जो प्याज और लहसुन का अदरक का जो पेस्ट बनाए हैं
इसमें जो है हम 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जो है सब्जी मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छा 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर डालेंगे। नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं, अभी जो हम इसमें ज्यादा ना हो इसलिए 1 चम्मच डालेंगे। उसके बाद इसमें जो है पानी डाल देंगे ताकि सूखा जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसमें थोड़ा देर एकदम होगा, पूरा घुल घुल मिल जाएगा ये मसाला, इसीलिए हम इस तरह से देते हैं, नहीं तो आप तेल में डालिएगा ना सूखा मसाला एकदम सब्जी का टेस्ट ही बिगाड़ देता है, इसीलिए थोड़ा देर ये पानी में भिंगो के रखेंगे ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए देख लेते हैं कि ब्राउन हुआ है कि नहीं, देखिए अभी तक तो पूरा ब्राउन नहीं हुआ है, थोड़ा सा और लगेगा, मिला के देख लेते हैं, थोड़ा और लगेगा 1-2 मिनट इसमें। अब देखिए प्याज और टमाटर जो है ये सब ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम मसाला जो सब जो तैयार किए थे वो हम डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी भी दे के सारा करके इसमें डाल देना है, और इसको जो है लो को मीडियम कर देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा और देर ढक देंगे 5 मिनट, फिर इसी तरह से बीच बीच में देख लेंगे कि मसाला जो है थोड़ा ब्राउन हुआ है कि नहीं। अब देखिए हम देख लेते हैं कि मसाला हुआ है कि नहीं, अभी भी मसाला में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा इसमें, अभी बात से करे तो अब देखिए मसाला जो है भुना हुआ हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम जो मशरूम को फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे, और आपको जो है शिमला मिर्च भी फ्राई किए थे वो भी डाल देना है, और इसको जो है 5 मिनट तक इस तरह से पूरा फ्राई कर लेंगे फिर से मसाला, ताकि पूरे अच्छे तरह से मशरूम में भी और ये शिमला मिर्च में भी अच्छा से मिल जाए, इसे इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए मसाला जो डाले थे वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है, 5 मिनट हम इस तरह से इसको फ्राई भी किए हैं, अब जो है इसमें हम पानी डालेंगे। अब देखिए इसमें जो है 1 छोटा कटोरा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी डालना भी नहीं है, तो देख लेते हैं कि इसका रस कैसा है, थोड़ा सा जो है ना इसमें रस और लगेगा ताकि मशरूम भी ना और पकेगा, इसीलिए थोड़ा सा रस डालना है। अब जो है लो से जो है मीडियम कर देंगे, और इस तरह से इसको ढक देंगे, ताकि यदि ढक के पकाइएगा ना सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा बनता है, एकदम टेस्टी लगता है खाने में। अब देखिए देख लेते हैं क्या है कि नहीं, देखिए यह जो है मशरूम बन गया है एकदम पूरा, ये देखिए पक भी गया है, इस तरह से देख लेते हैं, देखिए यह जो है पक गया है, थोड़ा सा जो है ना यह हार्ड रहता है लेकिन ये जो कहिएगा पूरा अच्छे तरह से पूरा पक जाएगा, पूरा वैसा नहीं होता है, देख लीजिएगा जो है अभी हम छलनी से इस तरह से हम काटे, देखिए कट गया है और एकदम अच्छा बन गया है, और इसको हम निकाल लेंगे। अब बेहद ही स्वादिष्ट मशरूम का सब्जी बन के तैयार है, आप इसे अब सर्व कर सकते हैं रोटी पूरी के साथ, इसे बहुत ही अच्छा लगेगा यह खाने में एकदम। आप जो है यदि आपको यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें और अपने मित्रों को इन्वाइट करें।